गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और अभी है दोपहर का लंच बन रहा है मेरा, नाश्ता पानी हम लोग का हो गया, घर का सारा काम भी मेरा हो गया, नहाना भी कंप्लीट हो गया है। और बस अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ, और लंच में अंडा बना रही हूँ, अंडा की सब्जी। मेरा बेटा की सिर्फ हस्बैंड तो मॉर्निंग में ही गए, तो उनको सब्जी और रोटी बना के दे दिया था लंच के लिए, और हमारे लिए चावल और अंडा की सब्जी बन रहा है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगता है। और जो भी नए दोस्त चैनल में आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को पूरा देखकर, नहीं तो फिर वो सब्सक्राइबर स्पैम हो जाएगा, नहीं रहता है। तो बस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लंच बना लेती हूँ फटाफट, फिर खाएंगे। और अंडा की सब्जी मैं थोड़ा आलू के साथ बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आलू डालना, और मेरे बेटे को भी पसंद है, थोड़ा आलू डाल के ही मैं बनाती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोल, गुड मॉर्निंग नहीं। ये हमेशा गुड मॉर्निंग ही बोलेगा, गुड आफ्टरनून नहीं बोलेगा। और बस ये अभी पढ़ाई करके उठा है, नहाने जाएगा, और मेरा तो कम्प्लीट हो गया, फिर खाना खाएंगे हम दोनों माँ बेटा। और कपड़ा देखिए सारा धो के ऐसे टांग के रखा हुआ है, इसको अभी सब आज ही इसका बंदोबस्त करना होगा इसको, नहीं तो फिर ऐसे रखेंगे। देखिए चेयर में भी रखा हुआ है कपड़ा, इसको भी सारा समेटना है, ये भी धुला हुआ है, वो भी तार में कुछ रखा हुआ है, पलंग में भी कुछ है, मतलब चारों तरफ कपड़ा ही कपड़ा, कपड़े का दुकान लगा है मेरे घर का। मौसम देखिए एकदम पूरा बारिश वाला मौसम है, टिप टिप करके बारिश हो रहा है, बंद हो रहा है, ऐसे दिन भर चल रहा है अभी मुंबई में फिलहाल, तो ठीक है, एक तरह गर्मी से राहत है। बहुत ज्यादा गर्मी मुंबई में रहती है ना, तो बारिश होने से थोड़ा तो राहत मिलता ही है। तो मौसम बहुत ही अच्छा है, एकदम सुहाना सुहाना सा मौसम। खाना मेरा बन गया है, और अभी मैं लंच करने के लिए बैठ गई हूँ। बेटा अभी तक नहा रहा है, वो लेट से ही नहाता है, और वैसे भी वो दोपहर का खाना मेरे ही हाथ से खाता है, चावल बोलता है तुम ही खिला दो, और मुझे लगी है तेज भूख, तो मैं खा रही हूँ खाना। और ये है देखिए मेरा अंडा फ्राई, और ये है अंडा का झोल। तभी मैं कर लेती हूँ लंच, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और मुझे अकेला ही खाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे भूख लगी थी और बेटा को अभी भूख नहीं लगा है, तो वो लेट से ही खाएगा। और वैसे भी ज़्यादातर दिन दोपहर का लंच वो मेरे हाथ से ही करता है, बोलता है कि दोपहर का लंच तुम ही करा दो मम्मी, अच्छा लगता है। रोटी अपने हाथ से खा लेता है, चावल खाने में बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, इतना बड़ा हो गया है फिर भी। और बस कपड़ा जो थोड़ा सा धो के रखा था उसको टांग रही हूँ। वैसे तो मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप ना भी निकला तो भी हवा से ही सारा कपड़ा सूख जाएगा। और बस यही कुछ यूनिफॉर्म वगैरह था साहिल का, स्कूल का ड्रेस, वही बस धो लिया, उसको भी टांग दे रही हूँ। ज़्यादा कपड़ा आज नहीं धोया, ये सारा जो छोटा मोटा था थोड़ा बहुत हाथ में ही धो लिया, और बस धो के रखा था, टांगने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं था इसलिए थोड़ा सा ही था, इसलिए हाथ में ही धो लिया, टांग दिया, ये हवा में सूख जाएगा। कपड़े का क्या है कि डेली धोना होता है, कुछ ना कुछ, कुछ ज़्यादा हो जाए तो मशीन से, थोड़ा बहुत हो तो हाथ से। डेली पहनने वाला जो कपड़ा है वो तो धोना ही होता है, मतलब डेली धोते हैं सुखाते हैं, इतना ज़्यादा कपड़ा फिर जमा हो जाता है ना, फिर इसको समेटना मुश्किल हो जाता है, और इतना जमा हो जाता है। तो आज मैंने इसका सोचा, इसका सारा काम आज मैं तमाम कर ही दूँगा, सारे एक साथ सब मैं समेट लूँगी अच्छे से, और अलमारी में डालूँगी। फ़ायदा कुछ नहीं है पता है, क्योंकि आज ही अच्छे से समेट के अलमारी में डाल रही हूँ, अभी जो टांगा है कपड़ा वो सूखेगा, कल फिर जमा हो जाएगा। तो यही होता है मेरे घर में, कपड़े मतलब रहता ही है इधर उधर, जितना भी अब समेट के रखो हो ही जाता है। जितना भी सोच रही इनका काम आज तमाम कर दूँगी, पर काम तमाम इनका नहीं होता है, ये फिर से जम जाता है नए करके। तो फिलहाल आज के लिए तो इनका सारा काम मैंने तमाम कर दिया है, सारे एक साथ बैठ के मैं अच्छे से समेट के फिक्स कर दिया है, अभी अलमारी में डालूंगी एक एक करके, और कल का पता नहीं, देखते हैं फिर कल होगा तो फिर इनका काम तमाम करूंगी बैठे बैठे। और क्या, हम हाउसवाइफ का तो घर में कुछ ना कुछ काम दिन भर रहता ही है, झाड़ू पोछा बर्तन तो कॉमन चीज़ है, ये तो चलता ही रहता है, साथ में कपड़े वगैरह भी होता है, कपड़े समेटना भी होता है, मतलब काम कभी ख़त्म ही नहीं होता हमारा, कितना भी कर लूँ लग रहा है कि हाँ अब आराम करूँगी, पर नहीं, कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है। तो उधर का अलमारी में कुछ जो डेली पहनने वाला कपड़ा रखा, और जो अच्छा वाला थोड़ा कपड़ा था वो इस अलमारी में रखती हूँ मैं, बड़ा वाला अलमारी में। और घर गई थी ना, ट्रॉली में जितना भी सर्दी का कपड़ा था वो अलमारी में रख के गई थी, तो वो अभी अलमारी से निकाल के मैंने रख लिया, ट्रॉली में डाल दूँगी, और जगह खाली कर दिया,
हमारे कपड़ा अलमारी में रखने के लिए। और ये है मेरा बेटा का रूम जो कि कभी भी ठीक नहीं रहता है, आप कभी भी देख लो ये सही नहीं होगा, ये गंदा ही रहेगा चाहे मैं कितनी भी साफ़ कर लूँ। ये जो टेबल है ये कभी एक कपड़े से पोछा नहीं करेगा कि हाँ बैठ रही हूँ पढ़ने, तो एक बार कपड़ा लगा लेती हूँ हाथ मार के नहीं करेगा, जितना भी गंदा रहेगा उसी में बैठ जाएगा जब तक कि ना मम्मी साफ़ कर दे, तो बस उसी के पीछे लगी हूँ। ज़्यादातर दिन मैं पोछ देती हूँ, कभी कभी अगर रह जाता है क्योंकि टेबल में इतना सारा बुक्स वगैरह फैला के रखता है और हाथ लगाती हूँ तो फिर चिल्लाने लगा मम्मी मुझे ये नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, तो मैं इसलिए डेली डेली इसके टेबल को हाथ नहीं लगाती हूँ। जब ये स्कूल जाता है फ्री मिलता है तभी मैं सब उठा के अच्छे से क्लीन वगैरह कर देती हूँ। और ये लैपटॉप पड़ा है यूज़ तो करता ही नहीं, पड़े पड़े गंदा होता है, अपने पढ़ाई भी अगर कुछ भी मोबाइल में करेगा तो मोबाइल में ही कर लेता है ऑनलाइन में, लैपटॉप बिल्कुल नहीं खोलता है। तो ये देखो ये घर में आ गया अभी स्कूल से, और इसका टेबल तो मैंने क्लीन कर दिया पर इसका बेड रह गया था, तो देखो आ गया कि मम्मी पता नहीं मेरा बुक्स कॉपी कहाँ रख देगी, तो वो आके फिक्स करके इधर उधर करके रख रही है जो उसको जहाँ पे रखना है। मैं बोला कि हेल्प कर मुझे और सारा बेड मैं ठीक करूँगी अभी, फिर मैं इधर उधर रख दूँगी फिर तो गुस्सा करेगा, तो इसलिए वो आ गया मुझे हेल्प करने के लिए। और जिसको जिधर रखना है कॉपी बुक्स वो रख दिया, और बाकी सारा समेट के मैं उसके बेड को भी साफ़ कर दूँगी, थोड़ा बेड कवर नहीं बिछाऊँगी चेंज नहीं करूँगी, बस इसको ही सिर्फ साफ़ कर दूँगी क्योंकि ये धुला हुआ ही है बेड कवर, ज़्यादा गंदा नहीं होता ये बेड कवर क्योंकि इस रूम में वो सिर्फ पढ़ाई करता है ना, सोता नहीं है तो सिर्फ पढ़ाई करता है, तो इसलिए बेड कवर ज़्यादा गंदा नहीं होता, इसलिए इसको थोड़ा कम ही चेंज करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तब चेंज कर देती हूँ, नहीं तो झाड़ झूड़ के इसको ही फिर बिछो देती हूँ। तो बस इसका रूम मैंने ठीक कर लिया फिलहाल, आज के लिए ठीक किया, कल फिर वैसे ही बन जाएगा फिर से मुझे करना होगा, ये तो मेरा डेली का काम है अभी का। नहाने से पहले का काम तो अलग होता ही है, झाड़ू पोछा बर्तन क्लीन डस्टिंग सब कुछ, और नहाने के बाद भी देखिए चैन नहीं है, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो पूरा घर की डस्टिंग क्लीनिंग मेरी कंप्लीट हो गई, और इतना बारिश हो रहा है, मौसम कितना अच्छा है पर काम करते करते एकदम पसीना पसीना हो गई गर्मी के मारे। तो देखिए बेड एकदम पूरा अभी सफाई चकाचक कर दिया मैंने, बैग वगैरह बुक्स वगैरह सब कुछ ठीक कर दिया, और इधर कपड़े भी सारा समेट दिया, बस जितना जरूरत की है, बेटे का स्कूल का पैंट वगैरह और ट्यूशन का वो रख दिया, और बाहर का तो कपड़ा टंगा हुआ ही है वो सुखाने के लिए मैंने दे दिया। तो घर मेरा हो गया है क्लीन, अभी चलते हैं किचन में, मेरे बेटे को लगा है भूख तो मैगी बनाएंगे। और बेटे का मैगी बनाते बनाते मैं तो हूँ ही चटोरी, आप लोगों को पता है, तो मेरा भी साथ ही साथ मुँह चल रहा है किचन में, एक तरफ बन रहा है मैगी दूसरी तरफ मेरा मुंह भी चल रहा है। और ये जो मैं खा रही हूँ पीला पीला पापड़ इसको हम बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं आप लोग पता नहीं, पर बचपन से ये खाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पहले दुकान में मिलता था अभी पैकेट में मिलता है, और बस कुछ आलू प्याज ला के रखा था ये दुकान से, वो भी बीच ही बीच डाल लिया, तब तक मेरा मैगी भी बन गया, आलू प्याज भी मेरा डालना हो गया उसी बीच में ही, और बेटे को दे देती हूँ मैगी। क्या खा रहा है ये क्या है क्या खा रहा है इसको पता भी नहीं, हम लोग भी इसको बचपन में पांचों उंगली में ऐसे घुसा के ऐसे ऐसे करके खाते थे, और हम लोग तो बंगाली में कुछ और ही बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मुझे जानकारी नहीं है इसका, आप लोगों को अगर पता है तो बताइएगा। देख क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ऐसे बच्चे लोग खाते ना उंगली में घुसा के, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे इसका हिंदी नहीं पता है, मुझे बंगाली ही पता है, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा इसको क्या। शाम होने वाला है, बेटे को मैगी बना दिया है, और दोपहर को तो बनाई थी अंडा की सब्जी, और फ्रिज में थोड़ा सा चिकन रखा हुआ था, रात के डिनर में सोच रही हूँ कि चिकन बना दूंगी, तो ये प्याज व्याज वगैरह मैं पानी के डाल के रखी हूँ, और रोटी बनाऊंगी रात को और चिकन बनाऊंगी और कुछ नहीं बनाऊंगी, एक ही बनाऊंगी, और करते करते आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि कितना और करती हूँ मैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बस ब्लॉग आज बहुत लंबा हो जाएगा तो नहीं बड़ा कर रही हूँ,
सपोर्ट करते रहिए और मेरा सपोर्ट हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। तो आज का ब्लॉग एंड कर रही हूँ, सब खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।